हेलो फ्रेंड्स, मैं खादिम मेहंदी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो क्लासें दी थी और उसमें हमने इनडायरेक्ट टूल्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के थे, इसी से अगला एक इनडायरेक्ट टूल्स आता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वह है आपका LAF। देखिए, LAF मॉनेटरी पॉलिसी का वो टूल्स है जिसके द्वारा RBI मनी के कंट्रोल करता है। तो LAF के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका रेपो रेट, जिसको PRR पॉलिसी रेपो रेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको हमने बता दिया क्या होता है। और दूसरा इसका कंपोनेंट होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। ये दो कंपोनेंट मिलकर LAF बनाते हैं और इसी टूल्स के जरिए RBI मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसमें पूछा ही जाता है कि LAF के दो कंपोनेंट दो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका रेपो रेट और दूसरा होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। अब बात करते हैं बैंक रेट की, कि बैंक रेट क्या होती है। तो जब कोई भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक RBI से 90 दिन से लेकर 365 दिन तक RBI से लोन लेता है और RBI उस लोन पर जिस रेट से ब्याज लगाता है उसी को कहा जाता है आपका बैंक रेट। मैंने आपको बताया था एक रेपो रेट वो दर होती है जब कोई भी बैंक RBI से अधिकतम 90 दिनों के लिए लोन लेता है और RBI जिस रेट से उस पर ब्याज लगाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। लेकिन बैंक रेट में जो लोन लिया जाता है वो 90 दिनों से लेकर 365 दिनों तक लिया जाता है। अब बात करते हैं बैंक रेट से संबंधित कुछ पॉइंट। तो पहला पॉइंट है कि बैंक दर को बिल में कटौती दर के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए किस रेट को, किस दर को बिल में कटौती दर के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका बैंक रेट। दूसरा पॉइंट है कि भारत सरकार भी बैंक रेट पर ही RBI से लोन लेती है। जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है और RBI से जिस समय वो लोन लेती है तो RBI भारत सरकार पर भी बैंक रेट से ही ब्याज लगाता है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में बैंक रेट कितनी है, 4.25% है। देखिए, अभी भी RBI ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट को चेंज किया है। तो पहले कुछ रेट और थी, अब इसने इसको कम कर दिया है और कम करने का उद्देश्य यही है कि जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, मार्केट में पैसा कम है। तो मैंने आपको इसका रिलेशन भी बताया था कि अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाती है तो बाजार में मनी का फ्लो बढ़ जाता है। इसलिए फिलहाल में RBI ने सारी रेटों को कम कर दिया है। इस समय रेपो रेट है वो है आपकी 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट है आपकी 4.25%। क्या होता है ये आपको भी बताया जाएगा, MSF के बारे में आपको पढ़ाया नहीं गया है। बैंक रेट है वर्तमान में 4.25%, CRR कैश रिजर्व रेशियो इसकी रेट जो है वो आपकी 3% है, SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो ये भी आपकी कितनी है, 18% है। अब देखिए बात करते हैं बैंक रेट का और मार्केट में मनी फ्लो का क्या रिलेशन है। तो बैंक रेट का, अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा, मार्केट को, और अगर बैंक रेट कम कर दिया जाएगा तो मनी का फ्लो हमारा, कि बैंक रेट को पेनल्टी रेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बैंक रेट को पेनल्टी रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक CRR और SLR मेंटेन नहीं कर पाते तब उन पर RBI पेनल्टी लगाता है। जो पेनल्टी लगाता है तो वो किस रेट से लगाता है, वो आपका बैंक रेट से लगाता है, इसीलिए इसको बैंक रेट को क्या कहते हैं, पेनल्टी रेट भी कहा जाता है। अब देखिए, लोन लेने के लिए कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं रखनी पड़ती। आइए दोस्तों जानते हैं MSF के बारे में। MSF जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का इनडायरेक्ट टूल्स का एक टूल्स है। इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो देखिए, MSF होता क्या है, जब कोई भी बैंक RBI से अधिकतम एक दिन के लिए लोन लेता है तो RBI जिस रेट से उस लोन
दर को ही MSF कहते हैं। यानी MSF के अंतर्गत आप कोई भी बैंक RBI से अधिकतम अधिकतम एक दिन के लिए ले सकता है, एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए ले सकता है, इससे ज्यादा 24 घंटे से ज्यादा लोन नहीं ले सकता। तो समझ में आए कि MSF दर क्या होती है। तो MSF में मिनिमम लोन जो मिल सकता है वो आपका 1 करोड़ या इसके मल्टीपल में मिल सकता है, यानी कम से कम आपको 1 करोड़ लोन तो मिलना ही मिलना है। इसके गुणज में यानी इसके मल्टीपल में यानी 2 करोड़ भी मिल सकता है, 5 करोड़ भी। अब बात आती है कि MSF के अंतर्गत अधिकतम लोन या अधिकतम लोन अधिकतम ऋण कितना मिल सकता है, तो वो आपका मिल सकता है NDTL का 2%। देखिए NDTL की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब पहले जो था वो आपका NDTL का 2% था, लेकिन जैसे लॉकडाउन चल रहा है इसको देखते हुए RBI ने 30 जून 2020 तक मैक्सिमम लोन लेने की जो लिमिट रखी है वो आपका NDTL का कितना परसेंट कर दिया है, 3% कर दिया है। वर्तमान में NSF रेट कितनी है आपकी, 4.25%। आइए जानते हैं अगले टूल्स के बारे में जिसका नाम है आपका OMO, फुल फॉर्म होती है आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखिए OMO क्या होता है, OMO भी एक टूल है जिसके जरिए RBI मनी को कंट्रोल करता है। करता किस तरह से है, तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो बेचता है या खरीदता है। तो जब भी RBI को बाजार में पैसा कम करना होता है, मनी को कम करना होता है बाजार में, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है। अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकेगी तो बैंक RBI के पास पैसा जाएगा, और जब RBI के पास पैसा जाएगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। लेकिन अगर RBI ये चाहता है कि हम पैसे को मार्केट में बढ़ाएं, मनी को बढ़ाना चाहता है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेता है। खरीदने का मतलब क्या है, जब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा तो पैसा बैंक को भेजाएगा, और बैंक अधिक से अधिक लोन किसको देंगे, पब्लिक को देंगे, तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। तो RBI बाजार में तरलता का मतलब यहाँ पर यही है कि बाजार में पैसा कम करना या बढ़ाना। तो RBI बाजार में तरलता लाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, और RBI बाजार से तरलता अवशोषित करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करता है, बेचता है। अब एक लास्ट टूल से आपका MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो देखिए MSS मॉनेटरी पॉलिसी का वो टूल्स है जिसके जरिए भी मनी को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन MSS के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ RBI जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है, यानी खरीदता नहीं है। आपका OMO में क्या होता है, OMO के अंडर में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता भी है और यह खरीदता भी है, लेकिन MSS के अंतर्गत सिर्फ बेची जाती है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपकी 6 लाख करोड़ की है, और इसको जो है 2004 में लाया गया था। MSS को 2004 में लाने के भी एक पीछे लॉजिक था, उस समय फॉरेन का इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा था तो मनी ज्यादा बढ़ रही थी, तो RBI तुरंत इसको ले आया और इससे मनी को कंट्रोल किया गया था। ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रही, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो भी क्वेश्चन बन सकता है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप